चलो गाइस सैंपल पेपर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेक्शन है व्हिच टर्म ऑफ एन एपी, एपी दे रखा है 21-18-15 इज -81। तो कह रहे हैं ये जो एपी चल रहा है 21-18-15 इसमें से -81 का जो नंबर टर्म होगा यानी कि एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो क्या होगी। तो फॉर्मूला हमें एक ही पता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी अर्थमेटिक में, ठीक है। अब हमें ए की वैल्यू पता है, ए यानी फर्स्ट टर्म 21, डी की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस हम देख रहे हैं सब में -3 हो रहा है, 21 -3 18, 18 -3 15, तो डी की वैल्यू होगा -3, टी एन यानी ये -81। अब ये सारी चीजें फॉर्मूला में डाल के आंसर नहीं निकाल सकते, तो जल्दी से निकालो इसको आंसर। मैं बताऊँ आंसर या खुद निकाल लोगे? चलो खुद निकाल लो, इतना तो खुद कर लो। फॉर्मूले में वैल्यू तो पुट करनी है, ए की वैल्यू 21 डालो, डी की वैल्यू -3 डालो, टी एन की वैल्यू -81 डालो और एन निकाल लो। एन निकालना है तो मैं आंसर बता देता हूँ, उसका आंसर होगा 35, ठीक है। सॉल्व कर लो जल्दी से। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 सैंपल पेपर 5, ये फिगर दे रखा है आपको, दिख रहा है डायग्राम। इसमें एबीसी की वैल्यू 100 डिग्री है, एसीडी की वैल्यू 40 डिग्री और पूछा है एडीसी और डीसीटी। तो एडीसी और डीसीटी हमें निकालना है। तो देखो ये एबीसीडी जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब सर्कल के अंदर बना हुआ है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जो अपोजिट साइड है उनका सम 180 डिग्री होता है। तो बी 100 है तो ये डी 80 डिग्री होगा, तभी तो 180 डिग्री होगा। तो एडीसी हमें मिल गया, एडीसी की वैल्यू मिल गई 80 डिग्री। अब रह गया हमारा डीसीटी। अब ये डीसीटी कैसे निकालेंगे, डीसीटी पहले हमने डीसीटी को उससे पहले हम पहले ट्राइंगल जो है ना एसीडी, ये वाला ट्राइंगल जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ, इसमें से ए निकाल लो। तो ये 40 है, ये 80 है, 120, ट्राइंगल का सम 180 होता है, तो ये 60 हो गया। अब एंगल ये 60 हो गया और वही एंगल ये सी भी होगा, क्यों होगा, डीसीटी भी 60 होगा, क्यों होगा, अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम। तो ये आपका आंसर। The sixth term of an AP is zero. Prove that the 30th term of an AP is 3 times 14 term. देखो इस क्वेश्चन की बात बताऊँ, ये क्वेश्चन वही बच्चा करेगा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसको रटा हुआ होगा वो नहीं कर पाएगा। देखो सिक्स टर्म ऑफ एन ए पी फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन टी। तो सिक्स टर्म की जब वैल्यू एन की वैल्यू सिक्स डालेंगे तो ए प्लस फाइव डी हो जाएगा इक्वल्स टू उसकी वैल्यू दे रखी जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू माइनस फाइव डी निकाल लेंगे, यहाँ मिल गए हमें ए की वैल्यू। अभी दे रखा 30th टर्म, तो 30th टर्म में इस फॉर्मूले में जब डालेंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस 29d, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगी। सिमिलरली 14th टर्म, तो 14th टर्म जब इस फॉर्मूले में डालेंगे तो ए प्लस 13d, ये क्वेश्चन 2। अभी क्वेश्चन 1 और 2 में ए की वैल्यू माइनस 5d डाल दो जल्दी से। क्वेश्चन 1 और 2 में ए की वैल्यू माइनस 5d डालोगे ना तो ए प्लस 29d हो जाएगा 24d, क्योंकि माइनस 5d है तो माइनस हो जाएगा, और ए प्लस 13d हो जाएगा 8d, 24d और 8d जो कि 3 टाइम्स। चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। 9 सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम रेडियस मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटालिक सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स स्फीयर। तो क्वेश्चन ये कहता है कि ऐसा एक सिलेंडर है, सिलेंडर मैंने बना रखा है जिसकी हाइट है, कहां है हाइट, ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है और डायमीटर है 2, तो रेडियस यानी 1 हो गया। तो इस सिलेंडर में से ऐसे छोटे-छोटे 9 9 सॉलिड स्फीयर बनेंगे। तो जब भी किसी चीज में से मेल्ट करके कुछ बनता होता है उन दोनों के वॉल्यूम इक्वल कर दो, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, एच यानी कि 12, इक्वल्स टू इन 9 स्फीयर का वॉल्यूम, तो 9 और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई, और आर क्यूब हमें नहीं पता, बस इसको काट वाड़ दो। तो ये मैं काटूंगा 3 3 9 4 12, 12 से 2 गया, पाई से पाई गया, तो आर क्यूब की वैल्यू होगी 1, यानी आर की वैल्यू होगी 1 और यानी डी की वैल्यू होगी 2। आंसर है ये, डायमीटर पूछा था ना, डी की वैल्यू 2 आंसर है। ओके गाइस ये मोड फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, मोड का नीचे फॉर्मूला मैंने लिख रखा है एल प्लस एच इन टू, ये इन टू का साइन है, एक्स नहीं है, एफ एम माइनस एफ प्रीवियस अपॉन 2 FM माइनस एफ प्रीवियस माइनस एफ नेक्स्ट। अब ये सब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मोड 38, यानी इस मोड की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 38, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ ये एफ एम क्या होता है, एफ एम मतलब जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 15 है, तो एफ एम वैल्यू की वैल्यू 15 हो गई। उसके बाद एफ प्रीवियस क्या होता है, मतलब जो मोड फ्रीक्वेंसी है यानी 15 है उससे प्रीवियस वाला, ये एक्स। उसके बाद एफ नेक्स्ट आप समझ गए होंगे क्या होगा, जो मोड फ्रीक्वेंसी 15 उसके नेक्स्ट वाला यानी कि 12। उसके बाद आपका एल क्या होता है, एल होता है आपका कि जो मोड फ्रीक्वेंसी है ना 15 उसका लोअर इंटरवल, लोअर इंटरवल क्या है 30। और एच क्या होता है कितने कितने के इंटरवल चल रहे हैं, तो 10 से 20, 20 से 30, 10 10 के इंटरवल चल रहे हैं। तो इस सारी चीज़ें पता चल गई, मोड की वैल्यू दे रखी है 38, फॉर्मूले में डाल के इस एक्स की वैल्यू आप निकाल दोगे सॉल्व करके, तो एक्स की वैल्यू आएगी 3। सॉल्व करो नीचे कमेंट में लिखो कि हाँ हमने कर दिया। सैंपल पेपर 5 का 6th क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का है, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट
2.2 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल। जैसा क्वेश्चन प्रीवियस सैंपल पेपर्स में भी मैंने कराया है, तो मैं आपको बता देता हूँ, करोगे तो आप खुद ही, कि पहले आप एक सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाओगे। ऐसे सर्कल बना दिया हमने, वो सेंटर है उसका। फिर उसके बाद इसमें लिखा है 2.2 सेंटीमीटर अपार्ट पे सेंटर से, यानी सेंटर से यहाँ पर ये 1.2 है, ये 1 है, तभी तो 2.2 हो जाएगा, ये P ले लिया, ठीक है। और इस पे से हमें टेंजेंट बनाने, तो पहले आप इस OP को ऊपर एंगल बाइसेक्ट कर दो ऐसे, ठीक है। मान लो जाए कटा वो M है, फिर इस MO को रेडियस मान के एक ऐसे डॉटेड सर्कल बना दो, और जो डॉटेड सर्कल, सर्कल को जो काट रहा है वो मान लो R और S है बस। फिर इस PR को ज्वाइन करो और PS को ज्वाइन करो, ये देखो दोनों टेंजेंट हो गए, बस यही करना है। चलो गाइस सैंपल पेपर 5 सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन बी। 3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं सेक्शन बी में, तो इसमें हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है और बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करते हुए चलो एलसीएम ले लिया, x प्लस 1 एक्स तो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड में दो एज इट इज रहेगा 34/15। तो इसको सॉल्व करते हुए चलो ऊपर खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 34/15। ऐसे इसको सॉल्व वॉल्व करते हुए चलो तो लास्ट में इक्वेशन ऐसे बनेगी आपकी 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ये आप करते जाना ऐसे इक्वेशन सॉल्व, और जब ये बनेगी तो इसको सॉल्व कर देना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि पेपर सॉल्व हो रहा है। और x की वैल्यू 2 आएगी, एक आएगी -5/2, एक आएगी 3/2, जो कि होगा आपका आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को देखो। अ टावर ऑफ 64 मीटर टॉल, अ मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर फ्रॉम द टावर, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर टू बी 60 डिग्री, फाइंड द एच ऑफ अ मैन, यानी मैन की हाइट फाइंड करनी है हमें। तो ये टावर है 64 मीटर का और यहाँ पर एक ये मैन खड़ा है, मान लो इसकी हाइट एच है, जो कि हमें फाइंड भी करनी है। ये लिखा फाइंड एच, एच मान ली। अब क्या है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी आंख से यहाँ तक बना रहा है 60 डिग्री का, ये रहा। तो हमें ये एच की हाइट निकालनी, तो ये भी एच होगा, यहाँ से यहाँ तक की हाइट एच होगी। तो बस सीधे 1060 का फॉर्मूला लगाओ, 1060 यानी परपेंडिकुलर, ये पूरी 64 नहीं होगी, ये एच माइनस हो जाएगी क्योंकि यहाँ से आ रहा है एंगल। तो 64 माइनस एच और बेस ये 36 क्वेश्चन में दे रखा है, बस सॉल्व कर दो। 1060 की वैल्यू √3, 64 माइनस एच अपॉन 36, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा एच की वैल्यू 36√3, और 64 माइनस 36√3 आ जाएगा आंसर। और √3 की वैल्यू आप और सॉल्व कर सकते हो, 64 माइनस 36√3, √3 की वैल्यू 1.73 डाल के और सॉल्व कर सकते हो। चलो इस क्वेश्चन को देखो। एक रेक्टेंगुलर शीट है एबीसीडी, जिसकी लेंथ दे रखी 10, विड्थ दे रखी 8, और पूछ रखा है आपको क्वेश्चन में कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर जब ये विड्थ के अलोंग रोल हो रहा हो। तो जिसके अलोंग रोल हो रहा हो उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाता है, सिलेंडर का सर्कमफ्रेंस 2πr, और उसकी विड्थ के अलोंग हो जाता है, मतलब जिसके अलोंग रोल हो रहा है उसके बराबर हो जाता है, तो विड्थ है 8। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, पाई के फॉर्म में रखेंगे, r की वैल्यू आ गई 4/π, तो r आ गया। h ये रहेगा 10, ये वाला h ये रहेगा 10, तो r भी पता है, h भी पता है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच, बस फॉर्मूले में डालो आंसर निकालो। समझ आ गई बात। इसमें सोच कॉन्सेप्ट जहाँ गलत करेगा वो ये है कि जिसके अलोंग रोल हो रहा होता है ना सर्कमफ्रेंस, ये सर्कमफ्रेंस होता है ना 2πr, वो उसके बराबर हो जाता है। अब इसके पार्ट टू में देखोगे, यहाँ पर अभी विड्थ के अलोंग हुआ, फिर लेंथ के अलोंग रोल होगा, तो हम लेंथ के बराबर कर देंगे सर्कमफ्रेंस को, बस यही ग्लिच है। चलो इस क्वेश्चन को देखो। थर्ड का सेकंड पार्ट है, एक शीट है एबीसीडी जिसकी लेंथ है 10, विड्थ है 8, और बोल रखा है कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया व्हेन इट इज रोल्ड अलोंग द लेंथ। तो इसमें ग्लिच या पॉइंट समझने वाला ये है कि जो सर्कमफ्रेंस होता है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सिलेंडर, वो उसके बराबर हो जाता है जिसके अलोंग घूम रहा है। तो यहाँ लेंथ के अलोंग घूम रहा है, तो लेंथ कितनी है अपनी 10, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr 10 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगी 5/π, r की वैल्यू आ गई 5/π, h 8 है, और फॉर्मूले में डालो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πrh, r भी पता है h भी पता है, फॉर्मूले में डालो आंसर निकालो। चलो गाइस इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं पहले, अगर आप मुझसे पढ़े हुए हो तो मैंने आपको पाइथागोरस के कुछ ट्रिपलेट बताए थे 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, ठीक है। ये देखो अभी कैसे यूज होंगे यहाँ पर। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो मैंने अलग से बता दी कि ट्रिपलेट याद होनी चाहिए आपको 3, 4, 5, 5, 12, 13 एंड 7, 24, 25। अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड पी ए एंड बी क्यू, यानी हमें पी ए ये बताना है और बी क्यू, कहाँ गया बी क्यू, ये इसकी लेंथ बतानी है। अब हमें पता है कि टेंजेंट और ये रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट और रेडियस। तो ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, ये ब्लू वाला पूरा जो मैं बना रहा हूँ,
एक के लग 5 है, एक के 12 है, तो अगर ये ट्रिपलेट याद होगा तो आप पी आराम से लिख दोगे 13, बिना कैलकुलेट करे, वरना पाइथागोरस लगा दो। सिमिलरली यहाँ पर इसके लग 4 है, एक के 3 है, तो आप बिना पाइथागोरस लगाए बता सकते हो बी के 5 होगा, क्यों, पी वाला ट्रिपलेट 3 4 5, बस आंसर यही है, ये पी ए 13 है, बी के 5 है, खत्म। पता होने चाहिए ट्रिपलेट्स, वरना पाइथागोरस लगा के सॉल्व कर दो। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल पेपर 5 भी हमारा खत्म हो गया है, तो इसमें क्या करना है हमें, 2PQ माइनस 3 सेंटीमीटर, तो यानी पूरी जो PQ लेंथ है इसका डबल और उसमें से 3 माइनस करके की वैल्यू बतानी है। तो देखो ये सेकंड पार्ट है, हमने फर्स्ट पार्ट में PE की वैल्यू निकाल ली थी क्या, 13, कंटिन्यूशन में देखा करो, और BQ की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 5। तो ये पूरा PQ क्या होगा, ये 13 प्लस, ये तो रेडियस है तो ये रेडियस 5 है तो ये भी 5 होगा, 5 प्लस ये 4 है भाई रेडियस 4, और ये बी क्यू हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल ही लिया था 5। कंटिन्यूशन में देखो तो पी क्यू की वैल्यू हो गई, ये कितनी है, ये 10 14 27, 27 इंटू 2, 2 पी क्यू है ना, माइनस 3 यानी 54 माइनस 3 51 है इसका आंसर, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ये कंटिन्यूशन में है, सीक्वेंस में देखो ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, समझ आ जाएगा। तो इसी के साथ आपका सैम्पल पेपर 5 खत्म होता है।